कल जो ये प्रोग्राम है श्री धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनज़र जो है इसमें दो जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है, एक इनर जोन एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी मेनली परेड ग्राउंड रहेगी जो पूरी जीरो जोन रहेगी, उसमें कोई भी वाहन कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी जो शहर से बाहर चारों पांचों दिशाओं में से जहाँ से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बाकी एक पूरा रूट प्लान इसमें बनाया गया है, जैसे ISBT और शिमला बाईपास से जितने भी वाहन आएंगे उनके लिए बन्नू स्कूल में पार्किंग रहेगी। बाकी जो 6 नंबर पुलिया और इधर रिंग रोड की तरफ से आएंगे वो रेस कोर्स गुरुद्वारा पार्किंग जो है वो अपने वाहन वहाँ खड़े करेंगे। इसके अलावा जो विक्रम और सिटी बस हैं उनके भी हमने डाइवर्जन प्लान बना दिए, जो अभी हम अपनी ट्रैफिक जो हमारी साइट है उस पर डाल देंगे, रूट प्लान आपको भी बता देंगे उसका। बाकी सबसे ये अनुरोध रहेगा और ये निवेदन भी है कि जितने भी जो दूनवासी हैं जो लोकल लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आएंगे वो अपनी बेसिकली अपनी गाड़ियाँ फोर व्हीलर या किसी भी वाहन से ना आए, वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें वहाँ तक आने के लिए परेड ग्राउंड तक, या फिर वो पैदल आए। अगर परेड ग्राउंड के आसपास कोई भी वाहन सड़क के आसपास या नो पार्किंग जोन में खड़ा होता है तो उसके विरुद्ध हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। जैसे इनका प्रोग्राम जो 4 बजे से लगभग 11 बजे तक है तो उसमें हम बात करके जो भी सिटी बसें हैं जो भी हैं उसमें हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनके लिए कर देंगे और जितना टाइम जो कार्यक्रम का जो टाइम है उसके लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर देंगे और जनता के सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो है हम सफल बनाएंगे। ट्रैफिक इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जनता जो है वो अपने वाहन कम से कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कल इसमें यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा।